बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि आप सब अच्छे होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह, मैं भी अच्छी हूँ। तो व्यूवर्स, आज मैं आपके साथ जो रेसिपी शेयर कर रही हूँ, उस रेसिपी का नाम है भरमा करेले, जो कि मेरी एक बहुत ही क्यूट सी सिस्टर है, छोटी सिस्टर, जिसने इसकी फरमाइश की थी। तो उसकी फरमाइश पर हम ये भरमा करेले की रेसिपी आप लोगों के साथ शेयर कर रहे हैं। और चलिए फिर देखते हैं कि भरमा करेले में क्या क्या पड़ता है, इसे कैसे बनाते हैं। तो चलिए, हम बना रहे हूँ और आप लोग इसको फॉलो करिएगा। तो जिसके लिए ये लिया है मैंने 250 ग्राम करेला है। और भरमा करेले के लिए हमेशा छोटे साइज़ का ही करेला यूज़ किया जाता है, क्योंकि छोटा जो करेला होता है तो उसका ये जो स्किन होती है ये सॉफ्ट होती है, जिससे कि कलौंजी जो है अच्छी बनती है, यानी कि इसको हम कलौंजी भी कहते हैं, यूपी के एरिया में इसे हम कलौंजी भी बोलते हैं। तो ये 250 ग्राम करेला है, और ये देखिए छोटा करेला है। इसमें हमने 1 टीस्पून हल्दी और हाफ टी स्पून हल्दी और 1 टीस्पून नमक मिला करके और रख दिया है। अंदर और बाहर दोनों तरफ से देख रहे हैं, और अंदर भी हमने इसको लगा दिया है। तो इसको लगा करके 2 से 3 घंटे तक के हमको रख देना है, ताकि इसका कड़वापन निकल जाए, इसमें से कुछ पानी भी निकलेगा। और इसको छीलने के बाद इसके अंदर का सारा बीज हमने निकाल लिया है, और बीज को हम यूज़ नहीं करेंगे। बहुत से लोग बीज को भी यूज़ करते हैं, लेकिन मेरे घर में नहीं पसंद करते हैं। तो बीज निकाल के उसका ये गूदा जो बचता है, ये इस तरह से गूदा जो होता है, वो बीज हमने फेंक दिया है, ये निकाल लिया है। और इसमें भी नमक और हल्दी लगा करके 2 से 3 घंटे पहले रख देना है। तो अब हमको ये क्या करना है कि बहुत से लोग इसकी स्किन भी यूज़ करते हैं, वो भी मेरे घर में नहीं खाई जाती है, तो हमने वो नहीं डाला है। अब इसको हम साफ़ पानी से धो लेंगे। तो चलिए धोने के बाद दिखाते हैं। तो व्यूअर्स, देखिए ये पानी बॉयल हो चुका है, और जिसमें कि हम ये करेले जो है धो के जो मैंने रखे हुए थे, और धोने के बाद इसको हाथ से अच्छी तरह से निचोड़ लेना है, जो इसमें एक्स्ट्रा का पानी हो इस तरह से निचोड़ के निकाल लेना है। और देखिए, इसका जो हमने ऊपर की स्किन थी, तो सारी स्किन को खुरच के निकाल दिया है। तो चलिए अब हम इसको इसमें डाल करके बॉयल कर लेते हैं। और ये बॉयल करने से क्या होगा कि ये सॉफ्ट हो जाएंगे, तो फिर जब हम इसको तेल में फ्राई करेंगे तो ये आराम से गले गले से रहेंगे। और इसको अगर बॉयल नहीं करते हैं तो ये आसानी से सॉफ्ट नहीं होते हैं। तो चलिए हम इसको 2 से 3 मिनट तक के इसको, यानी कि जब तक के हल्के से सॉफ्ट ना हो जाए, इसको हम बॉयल कर लेंगे। चलिए, अब बॉयल हो चुके हैं और ये सॉफ्ट हो चुके हैं, तो अब हम फ्लेम को बंद कर देते हैं और इसको हम स्टीम करके फिर हम आपको दिखाते हैं। पैन में मैंने 1 टेबल स्पून ऑयल डाल दिया है, और ये कुकिंग ऑयल सरसों का ऑयल है, तो इसमें ज़्यादा अच्छा बनता है। वैसे आपके पास जो ऑयल हो आप वो डाल सकते हैं। तो ऑयल को हम गर्म होने देंगे, और देखिए ये ऑयल गर्म हो गया है। तो अब हम इसमें डाल देते हैं थोड़ा सा ज़ीरा, और ज़ीरा चटक रहा है। तो अब हम इसमें डाल देते हैं ये प्याज, और ये सारी प्याज हम नहीं डालेंगे, मीडियम साइज की प्याज हम डाल देते हैं, हम लोग कटेंगे। और फ्लेम को हम थोड़ा सा लो कर देंगे, और इसके बाद हम इसमें डाल देंगे थोड़ा सा पानी। तो देखिए, ये प्याज जो है इसको हमें ब्राउन करना नहीं है, इसमें हम थोड़ा सा पानी डाल देते हैं, ताकि प्याज ब्राउन ना हो जाए जल्दी से। तो अब हम इसमें कुछ मसाले डाल देंगे। तो मसाले ये मैंने ले लिया है, 1/4 चम्मच हल्दी पाउडर है, और 1/4, देखिए अब हम ये कुछ ड्राई स्पाइसेस डालेंगे, 1/4 चम्मच हल्दी पाउडर है, 1/4 चम्मच कुटा हुआ लाल मिर्च है, और ये है खटाई यानी कि अमचूर पाउडर 1/2 टीस्पून है, और ये चाट मसाला 1/4 चम्मच है, और ये है धनिया पाउडर, ये 1 टीस्पून है। तो ये सब हम इसमें डाल देते हैं, और ये सारी चीज़ों को हमने डाल दिया है। अब हम इसमें डाल देते हैं ये जो करेले का हमने गूदा निकाला था, ये हमने इसमें डाल दिया। और सारी चीज़ों को डाल के हमें भून लेना है। अब हम इसको डाल देंगे, लहसुन है 3 से 4, तो बारीक कटा हुआ है, ये हमने डाल दिया। इस सब चीज़ों को हम मिक्स करके और इसे अच्छी तरह से भून लेंगे। तो ये मेरी शबीन सिस्टर है, जिसका नाम हमने नहीं लिया था शुरू में, और इसको जो है बहुत दिनों से कर। तो अब हम ये डाल देते हैं ये करेला, जो कि जो हमने बॉयल करके रखा था, उसी में से एक निकाल के बारीक काट लिया है। तो ये हम डाल देते हैं। हल्दी और नमक लगाने से करेले की कड़वाहट बिल्कुल चली जाती है। तो ये सारे मसाले हम भून लेंगे, और अब हम इसमें डाल देते हैं ये मिर्चों का अचार है मेरे पास, तो मिर्चों का अचार, हरी मिर्चों वाला जो अचार होता है, तो हम ये डाल देते हैं। और अगर आपके पास नहीं है तो उसके लिए आप करेले का मसाला, यानी कि जो अचार का मिक्स मसाला होता है, वो डाल सकते हैं। तो ये हम 1 से 2 चम्मच भर के इसमें डाल दे रहे हैं, क्योंकि मेरे पास है तो हम ये डाल दे रहे हैं। और नहीं तो आप जो है, अभी हम मसाला आपको दिखाएंगे कि ये वाला मसाला आप बनाएं और वो डालें। तो इन सब चीज़ों को हमें धीमी आंच पे इसको भून लेना है अच्छी तरह से, ताकि मसालों की जो महक होती है वो भी चली जाए। तो देखिए, अब हम मसाले भी आपको दिखा देते हैं।
ये है जो अचार में मसाला डाला जाता है, ये है खड़ा धनिया 1 टीस्पून, और मेथी थोड़ी सी लेनी है 1/4 चम्मच, और 1/4 चम्मच कलौंजी है, और सौंफ है 1 टीस्पून। तो ये सारा मिक्स मसाला, और इसमें हम सरसों को भी ऐड करते हैं, लेकिन सरसों मेरे पास नहीं है। तो अगर आपके पास अब मिर्चे का अचार नहीं है तो आप ये हल्का सा भूनें और इसको फिर आप मिक्सी में पीस के पाउडर बना के ये मिला सकती हैं। तो चलिए ये वाला मसाला भून लेते हैं, फिर हम आपसे मिलते हैं। मसाला अब ठंडा हो चुका है और हमने नमक चखा तो इसमें थोड़ा कम था, तो हम थोड़ा सा नमक और डाल देते हैं। और प्याज जो है हम इसमें जो डालते हैं, तो करेले जो कड़वे होते हैं ना, तो प्याज थोड़ा उसका कंट्रोल कर लेता है कड़वाहट का। तो चलिए अब हम इन करेलों में ये सारा मसाला भर देते हैं। और मेरी शबीन सिस्टर की बहुत ज़्यादा ख्वाहिश थी कि अप्पी हमको ये बना के दिखाइए, तो हमने सोचा कि आज चलो बना लेते हैं। और बहुत दिनों से उसने कहा हुआ था, तो फिर शबीन ऐसे ही देखेंगी और फिर बनाएंगी इंशाल्लाह। तो देखिए हमको ये सारा मसाला इस तरह से पूरा भर देना है करेले में, और इसे आप पूरी के पराठे के साथ या रोटी के साथ किसी भी चीज़ के साथ खा सकते हैं, और ये जल्दी ख़राब भी नहीं होता है। आप इसको बना करके फ्रिज में अगर रख लें तो 1 हफ्ते तक आप रख के इसको खा सकते हैं, और हल्का सा फ्राई करें। तो देखिए जिस तरह से हमने इसको भर लिया, इसी तरह से हम सारे भर लेते हैं, फिर दिखाते हैं। तो अब ये दूसरे पैन में 2 टेबल स्पून ऑयल डाल दिया है, फ्लेम ऑन है, तो हम ऑयल को गर्म होने देते हैं। और इधर देख लेते हैं कि देखिए ये करेले हमने इस तरह से भर के रखे हुए हैं, और ये जब बन के रेडी होते हैं तो बिल्कुल भी इसमें कड़वाहट नहीं रहेगी। और आप भी इसे इस तरह से बनाइएगा, और वीडियो वॉच करने के साथ साथ जिस किसी ने भी मुझे सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ फटाफट लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिए। और चलिए अब हम आगे का प्रोसेस शुरू करते हैं और दिखाते हैं। ऑयल अब गर्म हो चुका है, और अब हम 1-1 करेला इसमें लगा देते हैं इस तरह से। और फ्लेम को हम बिल्कुल लो पे ही रखेंगे, क्योंकि ये लो फ्लेम पे ही धीमे धीमे पकते हैं। और इसको हम ढक देंगे, और बीच बीच में इसको खोल खोल करके हमें इसका साइज चेंज कर लेना है। तो देखिए करेले का हमने साइज जो है वो चेंज कर लिया है, और इसी तरह से देखिए इसमें गोल्डन कलर आ गया है ना, तो इसी तरह से हमको थोड़ी थोड़ी देर में देखते रहना है, उसको साइज को चेंज करते रहना है। और जब ये पूरा ऐसे ही गोल्डन हो जाएगा तो समझ लीजिए करेला रेडी है। तो हम इसको फिर से ढक देते हैं एक बार, और इसे पकने देते हैं, और फ्लेम को धीमा रखेंगे। करेले अब फ्राई हो चुके हैं, अब हम इसको इस तरह से निकाल लेते हैं सारे करेलों को, और फ्लेम को हम बंद कर देंगे। तो एक बार देखिए मज़ेदार से भरवा करेले चटपटे और बिल्कुल मसालेदार और बिल्कुल अचार की तरह ही आपको खाने में लगेंगे। तो ये बन के रेडी हो चुके हैं, और इसी तरह से आप भी बना सकते हैं अपने घर में। और फिर आप बनाइए और ट्राई करिए, फिर हमको कमेंट में बताइए कि आपके करेले कैसे बने। और ये भरवा करेले का अगर आपको जो मसाला रेडी कर रहे हैं अगर वो बच जाता है तो आप उसको एयर टाइट डिब्बे में करके रख दीजिए, उसको बाद में आप यूज़ कर सकते हैं दोबारा से जब बनाएं, या आप और किसी सब्ज़ी में भी डाल सकते हैं। तो उम्मीद है कि आप सबको ये रेसिपी आज पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करिए, और दुआओं में याद रखिए। और इंशाल्लाह फिर मिलते हैं अगली एक मज़ेदार सी रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।